आपका आँख आपके शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। आपका आँख आपका सबसे बेसिक अंग है। इसके बिना आप कोई काम नहीं कर पाओगे। पर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आँखों की रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है। कई लोगों को तो चश्मा भी लग गया है, वो तो है ही, पर साथ ही साथ अगर आपको चश्मा नहीं भी लगा तब भी आप ये तो चाहते ही होंगे कि अभी आपकी आँखों की जो शक्ति है वो बढ़ जाए, है ना? मेरे एक दोस्त की आंखें भी बचपन से बहुत कमजोर थी, पर बाद में मुझे कुछ ऐसे तरीके पता चले जिन्हें मैं उसे अपनाने को कहा, और अब उसकी आंखों की शक्ति पूरी तरह से बदल चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि आप अभी जो क्लियरिटी से इस दुनिया को देखते हो उससे भी ज्यादा और साफ साफ देख पाओ। YouTube में वीडियो देखते समय देखना क्वालिटी होती है, 144 पिक्सल, 240 पिक्सल, 360 पिक्सल, ऐसे करते करते 1080p तक। तो अगर अभी आपकी आंखें 360 पिक्सल क्वालिटी से देख रही है, तो अगर आपने उन चीजों को किया जो मैं कह रहा हूँ, तब आपकी आंखें 360 से 1080p तक चली जाएगी। दो आंखों की बराबर की रोशनी आपके एक आंख में आ जाएगी और आप इस दुनिया को और हाई डेफिनेशन में देख पाओगे। वैसे मैं बता दूं कि 1080p और 360p तो मैंने जस्ट एग्जांपल यानी उदाहरण के लिए कहा, असल में तो आपका आंख 576 मेगापिक्सल्स का होता है। मतलब एक नॉर्मल आंख से आप जो इस दुनिया को देखते हो उतना क्लियर, उतना साफ कोई कैमरा नहीं दिखा सकता आपको। आपकी आंखों का सबसे अच्छा दोस्त है एक मोमबत्ती, क्योंकि एक मोमबत्ती आपकी आंखों की रोशनी को पूरी तरह से बढ़ा सकती है। मोमबत्ती की जो लाइट होती है, जो प्रकाश होती है, असल काम वो करता है आंखों की रोशनी को वापस लाने के लिए, या फिर आपकी आंखों की रोशनी अभी जितनी है उसे दोगुना करने के लिए। यही एकमात्र तरीका है जो आपके लिए सबसे बेस्ट काम करता है। इसके बारे में आपने शायद कभी सुना होगा या देखा होगा। इस तरीके में आपको एक कैंडल यानी एक मोमबत्ती को अपने आँखों से 1.5 से 2 फीट दूर रखना है, फिर एक जगह पर बैठ के उस मोमबत्ती को आपको देखना है, उसे देखते रहना है और देखते रहना है, तब तक जब तक आपकी आँखों में आंसू ना आ जाए। इस तरीके से आप अपनी आँखों की रोशनी बहुत कम समय में बढ़ा सकते हो। आप डेली 2-3 बार करोगे और कुछ हफ्ते बाद ही आप ये नोटिस करोगे कि आपको बहुत साफ दिख रहा है। और एक बात, ये तरीका आपको बोनस भी देती है। मतलब इससे आपकी आंखें तो तेज होती ही है, पर साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है। उस मोमबत्ती को देखते समय आपका दिमाग और आंख दोनों की शक्ति एक साथ बढ़ती है। इसमें सबसे मेन बात ये है कि जब आप उस मोमबत्ती को देख रहे होगे उस समय आप अपना पलक मत झपकाना और तब तक देखते रहना जब तक आपका आँख देख सके, और लास्ट में आपकी आँखों से पानी आने लगेगा। पानी आने लगे तब समझ जाना कि ये तरीका काम करना शुरू कर दिया है। आपको पता भी नहीं कि आपका जो पेंसिल है ये आपके आँखों को हेल्दी रखने में काम आ सकता है। आपको अपने पेंसिल को अपने हाथों से पकड़कर उसे थोड़ी दूरी पे रखना है और अपने आँखों से उसे देखते हुए उस पे अपना फोकस रखे हुए ही अपनी तरफ धीरे धीरे ले आना है, सामने ले आना है और ले आना है, तब तक जब तक वो आपके फोकस से बाहर ना हो जाए। मतलब जब तक वो इतना सामने ना आ जाए कि आपको वो साफ साफ दिखे ही नहीं, और फिर जब ना दिखे तब उसे दूर कर दो। ऐसे 5-10 बार करो। इस एक्सरसाइज से आपकी आईसाइट बहुत स्ट्रांग बनती है। मतलब आपका आँख सामने की चीजों को अभी जितना साफ साफ देख पा रहा है, ये एक्सरसाइज उस दृष्टि को 2 गुना कर देगी। ये एक्सरसाइज आपके सामने देखने वाली शक्ति को और बढ़ाता है, और अगर इसे डेली 2 बार भी करोगे ना तो आपकी सामने देखने वाली शक्ति हमेशा बनी रहेगी। इस वाले तरीके से आपके सामने देखने वाली शक्ति तो बहुत तेज हो जाएगी, पर दूर देखने वाली शक्ति को भी बढ़ाना है। आप अपनी एक उंगली को बाहर निकालो और उसे देखो, और फिर एकदम से किसी दूसरी चीज को देखो जो बहुत दूर हो, और फिर अचानक से अपनी फोकस वापस उंगली पे कर दो और फिर वापस दूर कर दो। ऐसे कम से कम 1 मिनट तक डेली सुबह करना। ये आपकी फोकसिंग पावर को स्टिमुलेट करता है। इससे आपकी दूर देखने की पावर और सामने देखने की पावर दोनों बढ़ती है। सिंपल सी बात है, इस एक्सरसाइज में आप सामने और दूर बार बार देखते हो, और इसी के चलते आपकी आंखों की सामने देखने की शक्ति और दूर देखने की शक्ति दोनों इस्तेमाल होती है।
और इसी के चलते सामने के साथ साथ दूर वाली शक्ति दोनों बढ़ती है। जब भी आपका आंख खुला होता है तब वो काम कर रहा होता है, मतलब वो देख रहा होता है और तब वो लाइट को देखता है। तो अगर आपको अपने आंखों को नरिश करना है, मतलब उसे रिलैक्स रखना है, एकदम हेल्दी रखना है, तो आपको ऐसी चीज को देखना होगा जो लाइट यानी प्रकाश के ऑपोजिट यानी विपरीत हो, और वो है डार्कनेस यानी अंधेरा। अंधेरे में आपका आंख किसी चीज को नहीं देखता, इसलिए वो एक जादुई स्टेट में होता है। जैसे आप तो जानते ही होंगे कि दिमाग में जो थॉट्स चलती रहती है, और जब हम अपने थॉट्स यानी विचारों को शांत करते हैं तब दिमाग की शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल उसी तरह आपका आंख हमेशा किसी न किसी चीज को देखता रहता है। और जब आप उसे शांत करते हो, मतलब जब आप डार्कनेस यानी अंधेरे को देखते हो, तब आपकी रोशनी बढ़ती है। अंधेरे को देखना बिल्कुल सिंपल है, आप अपने आँखों को अपने हाथों से ढक दो, ढक देने के बाद अंधेरा दिखता है, पर असल में उस अंधेरे को आपने कभी ध्यान से नहीं देखा। उस अंधेरे को ध्यान से देखना आपकी आंखों में फोटोरिसेप्टर सेल्स होता है और यही आपको चीजों को देखने में मदद करता है। तो हाथ से अपने आंखों को ढकने के बाद आप जो ये अंधेरा देखते हो, ये आपके फोटोरिसेप्टर सेल्स की शक्ति बढ़ाती है और ये बात विज्ञान साबित कर चुकी है। और जब फोटोरिसेप्टर सेल्स मजबूत होती है तब आप और साफ साफ देख पाते हो। आप ये भी कह सकते हो कि इस अंधेरे को तो हम लोग सब देखते हैं जब हम सोने जाते हैं, पर असल में हम उस अंधेरे को ध्यान से कॉन्शियसली नहीं देखते, इसलिए आपको उसका फायदा नहीं मिलता। आप उसे जानबूझकर ध्यान से देखो तब आपको उसका फायदा मिलेगा। इन टेक्निक्स के साथ साथ आप क्विक ब्लिंकिंग एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो। क्विक ब्लिंकिंग में आप जल्दी जल्दी ब्लिंक करते हो, मतलब अपनी पलक झपकाते हो, मतलब जैसे आप नॉर्मली करते हो वैसे नहीं, पर जल्दी जल्दी झपकाना है। इससे आपकी आंखों की बहुत सारी मसल स्टिम्युलेट होती है, यानी उसमें गतिविधि होती है, जिसके चलते आपकी आंखों के अंदर की ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचार अच्छी होती है। जब भी आप बहुत देर तक सामने देखते हो, जैसे पढ़ते समय, तब आप बहुत कम ब्लिंक करते हो, यानी आप सामान्य मात्रा के मुताबिक बहुत कम बार पलक झपकाते हो, इसलिए पढ़ने के बीच में बस एक मिनट के लिए टाइम निकाल के जल्दी जल्दी पलक जरूर झपकाना, ताकि आपका आंख 100% सेफ रहे और कभी खराबी ना हो। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये थंबनेल में तुमने क्या लगाया है, ये डबल प्यूपिल वाला? तो भाई ये असल में एक बीमारी है, लोग ऐसे आँखों के साथ पैदा होते हैं। इस बीमारी को प्यूपिला डुप्लेक्स कहते हैं। इस बीमारी में जन्म से ही उन लोगों की आंखों के अंदर दो प्यूपिल होते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि आपका आंख भी ऐसा दिखे, तब आप कॉन्टैक्ट लेंस मंगवा सकते हो। ऐसे कई कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं जिसमें ये इफेक्ट रहता है। कॉन्टैक्ट लेंस को पहन के आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हो। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या हम अपनी आँखों के कलर को चेंज कर सकते हैं, यानी रंग को चेंज कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है? इसका आंसर है नहीं और हाँ, दोनों, क्योंकि आप अपनी आँखों की कलर चेंज नहीं कर सकते, पर तब भी आप कर सकते हो। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, असल में इसका एक ही तरीका है और वो है वही जो मैंने आपको पहले बताया, कॉन्टैक्ट लेंस। आप अलग कलर का मजा ले सकते हो। वैसे कलर बदलना ना बदलना वो तो आपकी मर्जी है, पर नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि आपका आँख किस कलर का है, और फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर देना, लिंक मैंने नीचे दे दिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ।